हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आप लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे और बहुत परेशान भी होंगे कि ये कैसे हो गया, हुनैन कहाँ है और लैला कैसे व्लॉग बना रही है। लेकिन आप लोगों की इस हैरानी और परेशानी को मैं दूर कर देती हूँ, आप लोगों को खुशखबरी देनी है, एक नहीं दो देनी है। हुआ ये है कि हुनैन की हो गई है जॉब, माशाल्लाह से हुनैन को रेस्टोरेंट में जॉब मिली और वो भी पोर्चुगीज रेस्टोरेंट है। तो माशाल्लाह हुनैन 4-5 दिन हो गए हुनैन के जॉब पे और वो अब थोड़ा सेटल होने में उसको टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कभी हुनैन वीडियो बनाएंगे, कभी हुनैन व्लॉग बनाएंगे और कभी मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो आज का व्लॉग तो मैं बना रही हूँ कुछ तड़के मसाले वगैरह कुछ लगा के। तो दूसरी खुशखबरी ये है कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को घर भी मिल चुका है और कल ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है। क्योंकि हुनैन तो रेस्टोरेंट में बिजी था तो मेरा मेन टास्क यही था कि मुझे घर किसी तरीके से ढूंढना है। तो मैं मीटिंग्स वगैरह कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, लोगों से मिल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह घर समझ आ चुका है और वो हुनैन की जॉब से भी थोड़ा करीब है। पहले मुझे अपने रूम के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कहाँ से हम घर की बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो हेलो। हाँ जी, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं निकली हूँ नियर बाय मेट्रो स्टेशन के लिए। वहाँ जाकर मैं ट्रेन लूँगी कोलंबो मॉल के लिए, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है और वहाँ पर है प्राइमार्क। तो वहाँ से करनी है मुझे घर की शॉपिंग। इतनी ज़्यादा कुछ नहीं करनी और होपफुली ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी तो मुझे हुनैन से डांट पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हूँ। तो मुझे अपना हाथ भी थोड़ा रोक के रखना है और चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ प्राइमर्क पहुँच के क्या क्या चीज़ें मैं खरीदती हूँ। बैक एवरीबॉडी, मैं पहुँच चुकी हूँ कोलंबो मॉल वाले स्टेशन पे और अब मैं जाऊँगी यहाँ से। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं ना तो सामने ही है कोलंबो मॉल। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी माशाल्लाह से, मुझे सारे रास्ते याद हो गए। सो या ओके जी, तो मैं पहुंच चुकी हूँ प्राइमार्क पे और अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ प्राइमार्क का टूर। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये है पूरा प्राइमार्क। मैं आ गई हूँ जहाँ पे सारी घर की चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने लगी हूँ। बहुत बड़ा है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, जाके ढूंढनी पड़ती है, इतना आसानी से नहीं मिलती, आपको ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है। सो लेट्स सी क्या लेते हैं। बेडशीट्स तो मैं लेके आई थी अपने साथ, लेकिन मुझे पिलो लेने हैं, कुछ कुशन लेने हैं और मुझे क्विल्ट लेना है और क्विल्ट कवर भी लेना है, मुझे टॉप शीट भी लेनी है बेड। तो ये हैं सारे पिलोस, ठीक है, और ये हैं सारे डुबिट। तो इनमें से मैं लेने लगी हूँ किंग साइज़ वाला, जो कि ये है। ये मिल रहा है 35 यूरोज़ का, तो ये बेटर रहेगा क्योंकि 2 पर्सन्स के लिए आई थिंक किंग ही लेना चाहिए। डबल वाले में ये होगा कि हुनैन भी आधा छीन रहा होगा, आधा मैं भी छीन रही हूँ तो बेटर यही है कि किंग ले लिया जाए। और बाकी मैं ये ले रही हूँ, ये वाले 8 यूरो में मिल रहे हैं 2 पिलो। तो ये मैं ये ले रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी वेराइटी है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिस में हर तरह के आपको पिलो मिल जाएंगे। तो ये एक मैं ख़रीदने लगी हूँ और एक ये मैं डुबिट ख़रीदने लगी हूँ। इसके अलावा बेड शीट्स तो मैं अपने साथ लेके आई हुई थी, लेकिन और छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं घर की तो वो भी मैं देख लेती हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की चीज़ आप लोगों को कमरे के लिए, घर के लिए मिल जाएगी और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। और यहाँ पर टाइम टू टाइम सेल भी लगती रहती है तो आप सेल से भी उठा सकते हैं, तो उसमें और ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। हाँ भाई, मैंने अब ले लिए हैं 2 पिलोज़ और डुबिट ले लिया है किंग साइज़ में और अब मैं लेने लगी हूँ वाटरप्रूफ मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो ये है किंग साइज़ में, तो ये मैं ले लेती हूँ। और इसके अलावा जो अभी मुझे लेना है
मुझे डुवेट कवर्स लेने हैं, मुझे पिलो कवर्स लेने हैं और बाकी चीज़ें मैं लेके आई हुई हूँ पाकिस्तान से, लेकिन ये चीज़ें कुछ मेन थी जो कि मुझे लेनी थी। सो डुवेट कवर्स भी यहाँ पे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, तो देखती हूँ इसमें से जो रीज़नेबल है और अच्छा भी है, कंफर्टेबल भी है, तो वो मैं उठा लेती हूँ। अभी यहाँ आप लोगों को दिखेंगे सारे डुवेट कवर्स और उनके साथ पिलो केस मौजूद है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में है। सिंगल के लिए, सिंगल अगर आप डुवेट कवर के लिए लेते हो तो उसकी प्राइस अलग है, डबल वाले की अलग है, और जिस तरीके से ये देखें ये सिंगल वाला है तो इसकी प्राइस है 12 यूरो। इसके अलावा अगर मैं आपको डबल वाला दिखाती हूँ तो वो है यहाँ पे 18 यूरो का। और किंग साइज़ अगर आप देखते हैं, जो कि मैं ये वाला ले रही हूँ, ये वाला, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये है 22 यूरो का। सो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं सबकी, और अच्छी चीज़ है। अगर आप दूसरी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इससे और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं और आप कुछ रीज़नेबल अपने घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आप आराम से प्राइमार्क से आके अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। और पहले तो कोशिश करें कि पाकिस्तान से ही कुछ चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती हैं, लेकिन अगर आप बाहर आते हैं तो ये बेडशीट्स, डुवेट कवर्स और ये सब पिलोज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। पिलोज़ तो ऑब्वियसली यहाँ से आगे बंदा ले लेता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आई रिकमेंड कि आप लोग अपनी चीज़ें लेके आएँ। अब लाइन देखें कितनी लंबी लगी हुई है। देख के मेरे सर में और दर्द हो रहा है। जल्दी जल्दी बुलाओ भाई, जल्दी जल्दी बुलाओ, वरना तो ये जितनी जेलीज पड़ी हुई है सब मैं खा लूँगी। शॉपिंग सारी हो गई है, लेकिन आप देख सकते हो ये इस तरीके से बैग घसीट घसीट के लेके आ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा, और मुझे उनैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। उनैन कहाँ हो तुम, कहाँ हो लैला को छोड़ के, कहाँ हो तुम? अरे यार ये मैं लेके कैसे जाऊंगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ओह माय गॉड, खैर ये तो हो गई शॉपिंग, अब मुझे लग रही है सही वाली भूख, तो मैं अभी जाऊंगी मंड के कुछ खाऊंगी। ले लिया है कड़ा, एंड नाउ आई एम गोना ईट इट। तो भाई मैं समझ गई हूँ, मैं इसी को बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी बैग है जो कि मेरे पास है, जिसके अंदर सारा सामान है घर का, और मैं अकेले लेके चल रही हूँ। नहीं नहीं तुमने सही नहीं किया मेरे साथ, ठीक है ना, घर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ कसम के स्टेशन पे, और हुनैन की मुझे कॉल आई है, हुनैन अपनी जॉब से फ्री हो चुका है और उसने मुझे कहा है कि तुम यहाँ पे वेट करो मेरा, तो अच्छा है बैग अब वही उठाएगा। कुल्फी जम रही थी मेरी और फाइनली अब हुनैन आ गया है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी विद डॉग्स। भाई इसने तो चैनल को ना सिबो कर लिया है, क्या कहते हैं, हाईजैक कर लिया है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम, रात हो रही है यहाँ पे, चंगा बच्चा बन के मैं मेहनत करके पीजे शीजे लगा के मैं आ गया हूँ, अब मैं करूँगा पार्टी। लेकिन अभी सामान लेके हमें वहाँ पे जाना है, घर पे जाना है। सामान तो वो रख देते हैं, खैर है, पहले आपको घर का टूर कराते हैं। Yes. सही है ना, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो मैं घर आ गई हूँ और मैं अभी आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपना रूम। सो दिस इज आवर रूम। बहुत ठंड हो रही है, छीके भी लग गई हैं, और ये है बालकनी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है कसम के नाम से। सो हम यहाँ पे रहेंगे एटलीस्ट 5 मंथ्स का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एटलीस्ट 5 मंथ्स तो हमें यहाँ पे रहना है। ये है इसका वॉशरूम और किचन, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये है किचन, साफ़ सुथरा, वॉशिंग मशीन भी है, तो घर में ही आप कपड़े धुलेंगे, लॉन्ड्री में नहीं जाएंगे फाइनली। तो ये हो गया घर का सब कुछ।
अच्छा जी, तो सीन ये है कि हमने सामान छोड़ दिया, आपको घर तो पसंद आया होगा। हाँ, अब हम जा रहे हैं अपने पहले वाले घर। हमारे पास बहुत घर हैं यहाँ पे, हम दो दो घर एक टाइम पे लेते हैं। हम तो बहुत ही अमीर हो गए हैं आगे, एक घर दूसरी जगह रहते हैं, एक पाँव पहले घर में, दूसरा पाँव दूसरे घर में। सो खैर, अब भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अब हम खाना खाएंगे। अब से हुनैन को भूख लगी नहीं नहीं, तो अब हम खाना खाएंगे, रात हो गई है, थक गए, खाना शाके खाएंगे, फिर हम जाएंगे, फिर जाएंगे हम अपने पहले वाले घर में सोने के लिए। तो सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, खाना दिखाएंगे हम आपको क्या खा रहे हैं। तो टेक केयर, क्या खा रहे हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं घर और खाना वाना हमने खा लिया है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और नैन्था भी रहे। हम आ गए अपने पहले हाउस में, सेकंड से पहले आ गए। तो बस आज का रूटीन ये था, मैं थोड़ा बिजी हुआ हुआ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आई विल कम बैक विद अ बूम विद स्टे टून। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। डेली व्लॉग्स का वादा था, वो आगे करेंगे। थोड़ा सा बिजी हुए मैं, लेकिन जिंदगी की कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो साथ साथ, क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, वक्त निकालना, उसमें वीडियो बनाना थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा हम भी सेटल हो जाएं, फिर हम आपको भी सेटल करेंगे थ्रू व्लॉग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब जब भी रिलीज होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।